दोस्तों, दुनिया में बहुत कम घर होंगे जहां टेलीविजन न हो। कुछ घरों में तो दो या उससे ज्यादा टेलीविजन भी होते हैं। तो देखते हैं टेलीविजन की शुरुआत कब और कैसे हुई। 1830 में थॉमस एडिसन और ग्राहम बेल ने आवाज और फोटो ट्रांसफर करके दिखाया। 1907 में पहली बार टेलीविजन शब्द सुनने में आया और डिक्शनरी में जोड़ा गया। 1924 में जॉन ब्रेड ने पहली बार छाया चित्रों को मूव किया। 1936 तक दुनिया में लगभग 200 टेलीविजन सेट इस्तेमाल होने लगे। तब 12 इंच की टीवी स्क्रीन के साथ बड़े बड़े उपकरण आते थे। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान टेलीविजन का इस्तेमाल बढ़ गया। इस समय टीवी प्रचार करने वाली मशीन की तरह इस्तेमाल होने लगी। टेबल टॉप और कॉन्सोल दो तरह के मॉडल ट्रेंडिंग में आए। पूरी तरह से कलर टीवी प्रसारण 1953 में अमेरिका में शुरू हुआ। 1956 में रॉबर्ट एल्डर ने पहला रिमोट कंट्रोल बनाया। 1962 में AT&T कंपनी ने टेलीस्टार लॉन्च किया। 1967 के आसपास अधिकतर प्रोग्राम कलरफुल आने लगे। 1969 में अपोलो 11 पहला प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट हुआ, जिसे 6 मिलियन यानी 60 करोड़ लोगों ने देखा था। 1973 में टीवी का स्क्रीन को और बड़ा कर दिया गया। इस समय टीवी का वजन काफी ज्यादा हुआ करता था। वर्ष 1976 में भारत में टीवी प्रसारण को ऑल इंडिया रेडियो से अलग किया गया। 1980 में टीवी के साथ VCR गेम्स आदि आने लगे। इससे टीवी की पॉपुलैरिटी और बढ़ गई। रिमोट वाले टीवी ने दस्तक दी और लोकप्रिय हुए। 1990 के बाद टेलीविजन में कई बदलाव आए। टीवी का साइज और क्वालिटी बेहतर हुई। इसी समय LCD और प्लाज्मा जैसी टेक्नोलॉजी के साथ भी एक्सपेरिमेंट चल रहा था। 2000 के बाद VCR की जगह DVD प्लेयर इस्तेमाल होने लगा। कई कमर्शियल चैनल आए और टीवी स्वरूप बदल गया। अब इडियट बॉक्स से टीवी स्मार्ट बन गया। 2000 के बाद अब जमाना स्मार्ट टीवी का है। अल्ट्रा UHD, 4K, 3D, LCD, LED टीवी अब न सिर्फ मनोरंजन का काम कर रहे हैं, बल्कि कंप्यूटिंग और कनेक्टिविटी के लिए भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं। भारत में टेलीविजन प्रसारण की शुरुआत दिल्ली में 15 सितंबर 1959 को हुई थी। 1972 तक टेलीविजन की सेवाएं अमृतसर और मुंबई के लिए बढ़ाई गई। 1975 तक भारत के केवल 7 शहरों में ही टेलीविजन की सेवा शुरू हो पाई थी। भारत में कलर टीवी और राष्ट्र प्रसारण की शुरुआत 1982 में हुई। टेलीविजन का शॉर्ट फॉर्म टीवी पहली बार 1948 में इस्तेमाल किया गया। क्या आपको पता है 1987 तक आइसलैंड में गुरुवार को टीवी ब्रॉडकास्ट नहीं होता था। 2004 में ब्रिटेन में लोगों की संख्या से ज्यादा टीवी की संख्या हो गई थी। 2008 में सुपर बॉल के दौरान 30 सेकंड का एड टीवी पर दिखाने के लिए कंपनी ने 16,72,00,000 दिए। एक आंकड़े के अनुसार वर्ष 2009 तक दुनिया के करीब 78% घरों में कम एक टीवी सेट जरूर था। टेलीविजन देखते समय आप सोने से ज्यादा कैलोरी बर्न करते हैं। वर्ष 2013 में दुनिया में कुल टीवी बिक्री का करीब 87% हिस्सा LCD टीवी का था। 103 इंच पैनासोनिक प्लाज्मा टीवी दुनिया का सबसे बड़ा प्लाज्मा टीवी है। 370 इंच का स्क्रीन का दुनिया का सबसे बड़ा टीवी ब्रिटिश कंपनी टाइटन द्वारा बनाया गया है। दुनिया का सबसे महंगा टीवी प्रेस्टीज HD सुप्रीम रोज एडिशन है, जिसकी कीमत 13,399,00,000 रुपए है। एक इंसान हर महीने लगभग 175 घंटे टीवी देखता है। इस तरह टेलीविजन का आविष्कार हुआ था और आज के समय में स्मार्ट टीवी के रूप में हर घर में इस्तेमाल हो रहा है। वीडियो पसंद आने पर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और न्यू वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको हमारी नई वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।